अस्सलामुअलैकुम, रमज़ान मुबारक। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान का पहला रोज़ा है, तो अभी सारी तैयारी वगैरह करने वाली है। तो अभी तो सारी का वक़्त शुरू ही हुआ है, तकरीबन अभी 1-1.5 घंटा बाकी है सहरी के वक़्त में। तो उतने वक़्त तक आराम से सहरी हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी आज का रोज़ा शेयर करते चलें। तो आज अभी मैंने अम्मी जान को जगा दिया है, वो रोटी बनाएंगी मेरे लिए, भाई जहन ने भी रोज़ा रखना है, और लस्सी बनाऊंगा मैं, खुद ही बना लूंगा, और साथ में जो सालन वगैरह होगा और दही वगैरह होगा वो ले लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी सहरी हो जाएगी, तो बहुत ही मज़ा आएगा आज। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें ये दिन अता किए हैं। तो आपको मैं अपनी सारी रूटीन साथ साथ ही दिखाता चलूँगा, बहुत अच्छे आपके लिए सीन इंशाल्लाह कैप्चर करने हैं। तो अभी फिर काम मुझे शुरू करना है, मैंने अभी ऐलान होने वाला है तकरीबन, ये देखें ये हो रहा है ना अभी, कि सहरी का वक्त शुरू हो चुका है। तो अभी हम अपना काम भी फिर स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, रोज़ा रखने से पहले वो ना गांव की रूटीन है कि सुबह सुबह ढोल वाले आते हैं, ताकि अगर कोई जाग ना सके तो वो भी जाग जाए। तो वो आए हुए हैं तो उनको 10-20 रुपये चलो दे देते हैं। यार सुबह सुबह उठकर आना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो जी तैयारी शुरू है, अम्मी जान अभी मेरे लिए रोटियां बना रही हैं। अभी ये नहीं पता कि रोटी बनाती हैं या पराठे, तो जो भी होंगे इंशाल्लाह मज़ेदार ही होंगे। तो अभी ये गया तवे पर, और अभी पराठे का प्रोग्राम है, साथ में ऑयल डाल दिया है, और ये पराठा बनके तैयार। जी तो अभी मैंने बनानी है लस्सी खुद, जो मैं बनाने लगा हूँ। तो अभी ये फ्रिज में दही रखा हुआ है, ये देखें मट्टी का ठंडा है, इसमें लगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दही जमा हुआ है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी नेमतों से नवाजा है। ये उसी दूध का जो मैं जमशेर से ला कर आता हूँ। जी तो अभी लस्सी के लिए दही जो है वो मैंने जग में डाल लिया है, तो तकरीबन ये बहुत है, ठीक हो गया। तो अभी लस्सी बनाते चीनी डालनी है इसमें, 1.5 ढक्कन शायद इसमें डालूँ, तो फिर 1.5 ढक्कन ठीक है। तो प्याज में इसको मशीन पर रखेंगे और लस्सी हमारी हो जाएगी तैयार तकरीबन 5 मिनट स्विच ऑन। जी ग्राइंडर की वजह से काफ़ी अच्छा बन गया है, और ये भाई जान के लिए दही, उनको भी, उन्होंने भी रोज़ा रखना है तो उनको ये दही दे कर आना है। अभी ये जनाब गड़े का ठंडा पानी है, तो यही पीना चाहिए, वैसे बर्फ़ वाला पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इससे गला ख़राब हो जाता है, इसलिए गड़े का पानी पीना चाहिए। सहरी में आज अम्मी जान के हाथ के ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म पराठे हैं, और साथ है दाल, और साथ में दही और लस्सी। दही में कम ही खाता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाबिसौमिन गद्दिन वैतिन मिन शहरी रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह सहरी मैंने कर लिया, और अभी
सायरन बज रहा है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, शायद आपको सुन रही हो। तो अभी माशाल्लाह सहरी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है और अभी वजू करके हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए फजर की। तकरीबन मस्जिद में मैं पहुंच चुका हूं और अभी अंदर दाखिल हो चुका हूं मस्जिद के। तो माशाल्लाह आज काफ़ी लोग आए हुए थे क्योंकि रमज़ान शरीफ का भी स्टार्टिंग हो गया है, तो इसलिए काफ़ी लोग आज मस्जिद में आए हुए हैं नमाज़ के लिए। जी, नमाज़ पढ़ने के बाद फारग होकर मैं कुरान मजीद की तलावत करने लगा हूँ। मैंने सोचा कि एक सपारा रोज़ाना का तकरीबन अगर पढ़े तो जो कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है, तो इसलिए अभी 20-25 मिनट तक कुरान पाक की तलावत करनी है। आज ही शुरू किया है अभी, तो फिर एक माह के अंदर तो यह कंप्लीट तो होगा, बट अतकाफ़ भी करना है तो फिर ज़्यादा स्पीड के साथ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ फजर हमने अदा कर लिया है और उसके बाद कुरान मजीद की तलावत की है, तो अभी फिर से पुरानी रूटीन ही हमारी शुरू हो जाएगी। तो कैसा आज की करना फिर सारा दिन? तो आज यार मैं क्या कनक वाट लिया, कनक पक गई या पहले रह गई, की करना? मौसम भी काफ़ी ठंडा होया, उदा भी ना बारिश का भी हिसाब था लग सकता। चलिए तू मैं कॉलेज जाना आज। कॉलेज चलो ठीक हो गया, तो मतलब कि टाइम काफ़ी लंघ जाना अपना, हूँ जोर दे टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे, तो हूँ फिर चलिए अपने काम करा। तो मैं ये रहा जी चने वाली दाल का थैला, क्योंकि रमज़ान शरीफ का जो क्या कहते हैं स्टार्ट हो चुका है ना, तो इसलिए अभी मैं ये दालें वगैरह डाल के हटाऊँ जो होता है ना दाल चने की, और बेसन वगैरह ये ज़्यादा रखने पड़ते हैं। तो माशाल्लाह इनका काम आजकल काफ़ी आया, अनारदाना, सूखा धनिया और दाल चने और बाकी दालें वगैरह, इनका काम ज़रा ज़्यादा होता है क्योंकि, और खजूरों वगैरह का, क्योंकि बेसन वगैरह से पकौड़े और चिप्स वगैरह बनती है, जो सारा अनारदाना वगैरह सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, इस्तेमाल करते हैं लोग। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि काम भी इन दिनों काफ़ी अच्छा जा रहा है। वैसे भी अल्लाह पाक का शुक्र है, वो भी तो लोग हैं यार जो मतलब कि जिनके पास कोई वसाइल नहीं है एक पाव दाल लेने को, जो लोग तरसते हैं, तो अल्लाह पाक का शुक्र है हम 10-20 किलो बेच कर ही आते हैं। हमारे पास अल्लाह पाक का दिया हुआ काफ़ी कुछ है और हर बात पर अल्लाह पाक का शुक्र ही अदा करना चाहिए, क्योंकि हम किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक का हम पर एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें इन नेमतों से नवाजा है और हमें एक अच्छा मुल्क भी दिया रहने को, अच्छी जगह भी दी और अच्छे अच्छे ये ईदें भी दी हमारे लिए। रोज़ा एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, और रोज़ा रखने का काफ़ी अजर है। ये ब्लॉग बनाने का ये मकसद नहीं है कि सिर्फ व्यूज़ या और कुछ यार्निंग वगैरह, इसका ये मकसद नहीं, ये मकसद भी होता है कि यार आपके पास कोई अच्छी बात पहुंच जाए। वैसे भी तो सारा दिन हमने कोई ना कोई काम करना ही होता है, इसलिए एक अच्छी बात आपको बता देते हैं कि अगर आप इस पर अमल करें तो हमारी भी आखिरत संवर जाएगी, आप भी, आपकी भी। तो इंशाल्लाह आपने भी सारे रोज़े रखने हैं और आपका भाई समीर साद भी इंशाल्लाह सारे रोज़े रखेगा और इतकाफ़ भी करेगा पिछले साल की तरह। तो फिर अभी हम जा रहे हैं काम पर, काम तैयारी हो चुकी है मुकम्मल, तो फिर अपने दोस्त मीर साद को दीजिए इजाज़त। मेरे तरफ़ से आप सबको ढेर सारा प्यार, दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।